के बारे में जो कथा निरात मशहूरी में वर्णित है, जिसे इतिहास का पन्ना माना जाता है, जो अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा वर्णित है। ऐसा माना जाता है कि 995 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी तक इस वंश के शासक बहराइच में राज किए। छिटपुट छोटे छोटे स्थानों पर उनका शासन हुआ करता था। 995 के बाद जब भारत में मोहम्मद गजनवी अपने साथियों के साथ मुल्तान से चल करके दिल्ली मेरठ सतरिक तक पहुंचा और सतरिक में गजनवी के जो सिपहसालार थे गाजी मसूद, सालार उसके जो है भतीजे, उसका भांजा, उसकी जो कहानी इस इतिहास में आती है, उनके बीच में चूँकि राज्य विस्तार का उद्देश्य लेकर के गजनवी की सेनाएं दिन प्रतिदिन भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ रही थी, और इसी के कारण उस आक्रमण को रोकने का कार्य राजा सुहेलदेव ने किया। ऐसे कहा जाता है जिस समाज से आते थे वहाँ पासी के 14 जातियाँ हुआ करती थी, कहीं कहीं बाहर से कहीं कहीं बाहर राजभर ही कहीं जो है अन्य नामों से जो है इन्हें जाना जाता था। ये बताया जाता है इस शहर की जो है पढ़ाई से इधर पूर्वी क्षेत्र में इनकी संख्या वीरता के लिए प्रसिद्ध थी, शौर्य पराक्रम के लिए ये जातियाँ जो है इनका इतिहास में नाम आता था। तो कुल मिलाकर के इस 1033 में युद्ध होता है, 34 में युद्ध होता है, और जिसके द्वारा मसूद सालार जो है गाजी के उनकी जो है उनको परास्त करके राजा सुहेलदेव वो जीत जाते हैं, और वहीं पर उनको जो है मृत्यु के पश्चात उनको दफन किया जाता है, और दफन करने के बाद उस स्थान को बाद में दरगाह का रूप दिया जाता है, और इस दरगाह के रूप को देने में बाद के जो है शासकों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन कोई भी स्थान वो दो प्रकार के अतीत के दो इतिहास कहता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। भारत के वे लोग जो राजा थे उनके जो वंशज वो अपने इतिहास को अपने अनुसार, और जो इससे पूर्व जो इतिहास इस्लामी आक्रांताओं का था उनका इतिहास स्वयं में भी अपनी उस साच को प्रामाणिकता को किसी न किसी माध्यम से इतिहास को बताते आए हैं।
यदि पौराणिक ही सही लेकिन अनपेक्षित ही सही, अपेक्षा पर सत्य व सटीक न होते हुए भी यह कहानी बहुत कुछ बयां करती है राजा सुहेलदेव के पराक्रम की और उनके जो है एक साहसी और कट्टर व्यक्तित्व को परास्त करने की, जिसने ये जिद ही कर लिया हो कि हम जो है भारत में आने के बाद जितने भी राजा हमको रास्ते मिलेंगे हराने का काम करेंगे।